नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी की भारत यात्रा आज बजरंगगढ़ पहुंची। यह यात्रा कल गुना नगर में प्रवेश करेगी। सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत के नारों के साथ इस यात्रा का स्वागत आज बजरंगगढ़ में किया गया। यह यात्रा कल गुना नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गुजरेगी। अखिल भारतीय यादव महासभा के जिलाध्यक्ष बने राम यादव। अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव द्वारा समाज के गुना जिला अध्यक्ष श्री राम यादव को बनाया गया। इस अवसर पर राम यादव ने बताया कि वे सदैव समाज के लिए पूर्ण लगन के साथ जनहित में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षा का प्रसार प्रसार एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ वे कार्य करेंगे। यादव महासभा ऑल इंडिया यादव महासभा में पिछले 4-5 वर्षों से जिला अध्यक्ष का दायित्व निभा रहा था। हमारे द्वारा राम यादव के लिए जोर शोर से नाम उनको रखा गया, क्योंकि युवा हैं, आगे काम करने की तमन्ना रखते हैं और जो हमारे द्वारा काम किए जा रहे थे उस काम को उनसे उम्मीद करते हैं। उन कामों को आगे बढ़ाएंगे, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करेंगे और दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, जो लड़कियों की संख्या कम हो रही है उस पर भी अपन जो है समाज के अंदर कुरीतियों को दूर करेंगे। यादव सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश जी यादव जी ने मुझे गुना जिला का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना और जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करना और बाल विवाह, जो समाज में जो बाल विवाह हैं उनको बंद कराना, नशा मुक्ति, नशा से मुक्त कराना और एक भव्य राधा कृष्ण का के मंदिर का निर्माण करना है, उसी में एक धर्मशाला का निर्माण करना है। रघुवंशी समाज की मासिक बैठक का हुआ आयोजन। नगर के एक निजी होटल में रघुवंशी समाज की बैठक रखी गई, जिसमें समाज की समस्याओं एवं कुप्रथाओं के संबंध में चर्चा की गई। मृत्यु भोज एवं विवाह में फिजूल खर्ची पर भी रोक लगाने के संबंध में चर्चा की गई। समाज के द्वारा आगामी 15 अक्टूबर को कैंसर निदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, इसकी रूपरेखा भी बैठक में तैयार की गई। हमारी रघुवंश समाज की बैठक हर माह के दूसरे रविवार को 2 बजे प्रिंस गार्डन में होती है और इसमें समाज सुधार के ऊपर, जैसे दहेज प्रथा है, उसके बाद में जो नमस्ते वाली प्रथा एक नई चल गई है, मृत्यु भोज जो बहुत बड़े रूप में किया जा रहा है, अनावश्यक
फिजूल खर्ची की जाती है। भोजन में जब स्वयं अपन अपने हाथ से भोजन देते हैं तो उसमें जल लें जितना अपन को ज़रूरत है, वेस्टेज ना हो, इसी सुधार के ऊपर कार्यक्रम होता है। और आदरणीय डॉक्टर साहब आज आए हुए हैं, 15 तारीख को कैंसर शिविर का एक आयोजन है जो कि रघुवंश समाज की ओर से हम संपादित करवाने जा रहे हैं, इसी क्रम में ये मीटिंग होती है समाज। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ एक दिन 51 जिलों में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कल दिया जाएगा। इसी क्रम में दिनांक 9/10/2017 को गुना में भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। इस संबंध में समाज के जिला अध्यक्ष ने हमें जानकारी दी। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भगवान दास मालवी के आह्वान पर 51 जिले एक साथ हम्मी हनुमान चौराहे से लेकर कलेक्टर प्रांगण में हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। दो बजे पहुँचेंगे हम लोग सीओर रायसेन भोपाल में। हम लोग अनुसूचित जनजाति में आते हैं, मध्य प्रदेश में 3 जिले आते हैं और बाकी जिलों में हम लोग नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री जी ने 2013 में आम सभा में बोला था कि हमारी सरकार केंद्र में अगर आती है तो हम सबसे पहले रजक धोबी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज तक हम लोगों को अनुसूचित जाति में नहीं लिया गया। हनुमान चौराहे पे 1 बजे एकत्र होकर 2 बजे हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जाएंगे। आज़ाद अध्यापक संघ ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। आज़ाद अध्यापक संघ ने अपने 900 मांगों के लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें समान वेतन, सातवां वेतनमान एवं बंधन मुक्त स्थानांतरण नीति को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समस्त जिलों में पूरे मध्य प्रदेश के आज़ाद अध्यापक संघ के बैनर तले कम से 800-900 के लिए मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें गुना में संघर्ष समिति के रूप में ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें आज़ाद अध्यापक संघ, संघर्ष समिति और सारे अध्यापक गुना में मिलकर 900 ज्ञापन जिला करेंगे, जिसमें प्रमुख मांग शिक्षा में मिले समान कार्य के लिए समान वेतन, अन्य कर्मचारियों के साथ हमें भी सातवां वेतनमान दिया जाए और बंधन मुक्त स्थानांतरण नीति और ऐसी कई मांगे हैं जो लंबित हैं वर्षों से, लेकिन आज 20 वर्षों के बाद भी हमारी मांगों पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम इस मंच से मांग करते हैं कि हमारी समस्त मांगों का निराकरण किया जाए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। हम मानसिक पीड़ा से ग्रसित हैं, पूरा अध्यापक परेशान है, कोई किसी की पत्नी कहीं नौकरी करती है तो पति कहीं नौकरी कर रहा है, माँ बाप कहीं हैं, बच्चे कहीं हैं, इस तरह से स्थानांतरण नीति नई सरकार नहीं दे रही, जिसमें शासन का कोई वित्तीय भार भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी शासन हमें गुमराह कर रही है। कई बार स्थानांतरण नीति के आदेश जारी किए गए, उनकी डेटें बढ़ा दी जाती हैं, इसी के तारतम्य आज पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। करवा चौथ की तैयारी को लेकर दिखी बाजार में रौनक। आज करवा चौथ है, सुहागिन महिलाएं इस पर्व पर अपने पति की दीर्घायु के लिए अन्न जल त्याग कर व्रत रखती हैं। इसी की तैयारी को लेकर आज बाजार में खासी रौनक देखने को मिली। हर तरफ महिलाएं खरीदारी करती हुई नजर आईं। डीजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।